हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका शशांक खरे, फिटनेस मोटिवेटर। गाइस गाइस, मैं आज आपके लिए लाया हूं हाउ टू ग्रो योर बाइसेप्स। अपने बाइसेप्स का साइज कैसे गेन करें। कितनों लोगों का प्रॉब्लम है कि यार हमारे बाइसेप्स का साइज जो है ना वो गेन ही नहीं हो रहा, हमारे बाइसेप्स में जो पीक है ना वो आता ही नहीं, कैसे ना है? तो मैं आपको बताऊंगा गाइस, चलिए शुरू करते हैं। मैंने डायग्राम बनाया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि बाइसेप्स के मसल्स के बारे में गाइस। तो बाइसेप्स के कितने मसल्स होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ बाइसेप्स मसल्स। एक होता है ब्रोकियाई होता है एंड सेकंड होता है ब्रोकियालिस। और ब्रोकियाई के दो टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं। एक होता है लॉन्ग हेड बाइसेप्स, जो हमारा जो फ्रंट होता है, जो सामने का देख रहे हैं, इसको बोलते हैं ब्रोकियाई। ये फ्रंट हेड बाइसेप्स बोलते हैं। और इसको बोलते हैं जो हमारे इनसाइड रहता है, इसको बोलते हैं ब्रोकियाई। इसको भी ब्रोकियाई बोलते हैं, बट ये होता है शॉर्ट हेड बाइसेप्स होता है जो अंदर होता है। और ब्रोकियालिस क्या होता है? हमारे सबसे छोटा जो पार्ट होता है मसल्स के, वो हमारे यहाँ पे रहता है, जिसको बोलते हैं ब्रोकियालिस। अब हम ये तीनों को कैसे ट्रेन करें? ये हमारा जो ब्रोकियालिस होता है वो आउटसाइड में होता है, आउटसाइड में। तो अब हम ये तीनों मसल्स को कैसे ट्रेन करें, क्या ऐसा वर्कआउट करें जिससे कि हमारा जो बाइसेप्स है वो गेन हो जाए? क्योंकि गाइस क्या होता है ना, लोगों का बाइसेप्स का साइज क्यों गेन होता है उसके पीछे भी साइंस है। क्या होता है, लोगों को बाइसेप्स मारना ही नहीं आता। मैंने कितने जिम में देखे, मैं खुद जिम में जब जाता हूँ तो मैंने कितनों को देखा है कि लोग वो लोगों को देख के करते हैं कि यार वो कितना बाइसेप्स उठा रहा है, कितना वेट डाल रहा है। वेट ईगो सबसे बड़े क्या, इतना वजन वो उठा रहा है तो मैं भी क्यों नहीं मार सकता। कि लोग ऐसे वेट पकड़ते हैं और पूरा बॉडी का मूवमेंट पूरा उठाते हैं, बल्कि ये एकदम रॉन्ग वे है जिससे कि उनके जो बाइसेप्स है वो गेन नहीं होंगे। ये आपका बहुत ही गलत बात है, ऐसे बाइसेप्स नहीं मारी जाती। बाइसेप्स को भी मारने का सही तरीका होता है गाइस, हमको अपने एल्बो को है जो ना उसको लॉक रखना पड़ेगा, लॉक, तब तो हमारे बाइसेप्स बनेंगे यार। उसको ये करके आप ये करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, आपके एल्बो को लॉक करना पड़ेगा। अभी मैं बताऊंगा आपको लॉन्ग हेड ब्रोकियाई को कैसे करना पड़ेगा। तो आपको पूरा नीचे जाने से, पूरे जब नीचे जाएंगे ना तो आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा, स्ट्रेच पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, स्क्वीज स्क्वीज करना पड़ेगा पूरा। ये हो गया हमारा फ्रंट, ये लॉन्ग हेड बाइसेप्स हो गया। अब हम ब्रोकियालिस को कैसे ट्रेन करें अपने इनसाइड को? तो आप जब इसको अंदर लेंगे तो ये हो जाएगा ब्रोकियालिस को, आप अपने ट्रेन कर पाएंगे। इसको अंदर एल्बो को रॉक रखना है, उसको ज़्यादा भी हाथ को हिलाना नहीं है। जितना आप ज़्यादा स्क्वीज करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपके बाइसेप्स में प्रेशर आएगा गाइस। अब हम बोल रहे हैं शॉर्ट हेड को, शॉर्ट हेड को ये है, इसको दूर कर दिए, ये हो गया शॉर्ट हेड बाइसेप्स। ये इससे हमारा जो इनसाइड का जो होता है, ये शॉर्ट हेड बाइसेप्स होता है, वो इससे ट्रेन होता है जब हम अपने हैंड्स को इतना दूर कर लेते हैं। इन अंदर करेंगे तो ब्रोकियालिस से वो ब्रोकियालिस हमारा मसल जो डेवलप करेगा। हाँ, जब हम आउटसाइड करेंगे तो हमारा जो ये है वो ट्रेन होगा शॉर्ट हेड बाइसेप्स। और हम जब पूरा नीचे से ऊपर तक लाएंगे तो हमारा जो फ्रंट है, जो लॉन्ग हेड बाइसेप्स है, वो ट्रेन होगा। तो कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपका जो तीनों पार्ट है वो कैसे ट्रेन होगा, कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज है? तो गाइस, जो मैं आपको एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, जो मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा, वो बहुत ही बेनिफिट है उस एक्सरसाइज का। आप करेंगे, आई एम डैम श्योर 100% गारंटी है आपका बाइसेप का साइज गेन हो जाएगा। गाइस मेरे भी इतना बाइसेप नहीं है कि मैं आपको बताऊँ, मेरे बाइसेप बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी जितने भी हैं अच्छे नेचुरल है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन है मेरा। मैंने कोई भी प्रोटीन सप्लीमेंट्री से इतना बाइसेप नहीं बनाया है। मैं जो वर्कआउट करता हूँ, जो बाइसेप मारता हूँ, जिससे कि हमारे तीनों पार्ट जो ट्रेन होते हैं, वो मैं आपको एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। रुकिए, तो पहले तो आपके पास गाइस होना चाहिए ये कर्ल बाइसेप्स रॉड, जो ज़िगज़ैग्स को बोल सकते हैं, आप कर्ल भी बोल सकते हैं, जिसके जो समझ नहीं आ रहा उसको टेढ़ा भी बोल सकते हैं, टेढ़ा बाइसेप। उसमें आपको वेट लेना है, चेस्ट को अप करना है, चेस्ट को अप, चेस्ट याद रखिए, इसको अप रखिएगा, अपने एल्बो को लॉक रखिएगा। पहले आपको लेना है आधा, ज़्यादा ऊपर नहीं करना है, इतना ही मारना है। इसके 7 रेपिटेशंस मारेंगे, 7 रेपिटेशंस इसके मारेंगे, 7। अब लेंगे ऊपर वाले, हाँ इतना, पूरा हाथ को नीचे नहीं ले जाना है, पूरा लेंगे, इसके भी 7 मारेंगे, पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है। अब हम मारेंगे लॉन्ग हेड बाइसेप्स, मतलब जो हमारा फ्रंट है उसको डेवलप करने के लिए हम पूरा उसको नीचे ले जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, ऊपर लाएंगे,
एल्बो को लॉक रखना है, स्ट्रेच पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है, अपने पूरा ध्यान देना है कि अपने बाइसेप्स की तरफ। फिर आपको इसको 10 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड रखना है, एल्बो लॉक करके इसको होल्ड रखिए। मेरे साथ काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप खुद देख सकते हैं मेरे बाइसेप्स में अच्छा खासा प्रेशर आया है। सोचिए जब इतने में मेरा ये हालत है, अगर आप इसको रेगुलर कर लेंगे 2 महीने, तो आपका बाइसेप्स का साइज कितना अच्छा खासा गेन हो जाएगा गाइस। ये देखिए, आप देख सकते हैं मेरे बाइसेप्स का इतने जल्दी इफेक्ट करता है। जो मैंने बताया है, मेरा अच्छा खासा दर्द होने लगा मेरे हाथ। बहुत ही अच्छा पंप एक्सरसाइज, 7 रेपिटेशंस मारने हैं। पहले आपको लॉक करके नीचे बॉटम हाफ रेंज मारना है, आपको बॉटम हाफ रेंज, फिर अपर हाफ रेंज ऊपर मारना है, फिर देन आपको फुल बॉडी मारना है, पूरा हाथ को नीचे ले जाना, फिर ऊपर लेना, पूरा नीचे ले जाना, फिर ऊपर लेना, स्ट्रेच करना है। फिर देन आपको 10 सेकेंड जब पूरा मार लेंगे कंटिन्यू, जब नीचे आते समय इसको वहीं रोक देना है, स्टॉप कर देना थोड़ी देर की जगह, उसको 10 सेकेंड तक आपको चेस्ट ऊपर करके ऐसे होल्ड रखना है 10 सेकेंड तक। 10 सेकेंड के बाद इस तरह के आपको 4 सेट्स मारने हैं गाइस, जिससे आपका साइज बहुत अच्छा गेन हो जाएगा। आई होप यू गाइस कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी गाइस अच्छी ही लगी होगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत अच्छी ट्रिक बता दी। ये मैं खुद करता हूँ एक्सरसाइज, ये मेरी ही डेवलप एक्सरसाइज है गाइस, जो मैं आपको बताया हूँ कि मैंने खुद किया है, क्योंकि मेरा अच्छा खासा इससे प्रेशर आता है। आप भी मुझे बताइए कि आपको ये एक्सरसाइज करके कैसा आपको प्रेशर आया, अच्छा खासा इम्पैक्ट आया कि नहीं आया आपके बाइसेप्स में। तब तक के लिए गाइस, मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वाली वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बी एट होम, बी फिट, लव यू ऑल, बाय।